नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3142 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3152 का हाई लगा चुका है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बिनौला खल ने 3400 का लेवल टच करने के बाद 3300 के लेवल पर सीमित दायरे में ट्रेड करा, उसके बाद फिर यहाँ से 3100 के लेवल बनते नजर आए, आपको क्या लग रहा है, क्या बिनौला खल यहाँ से अभी 3000 या 2900 के भी लेवल दिखाएगा? देखिए, अभी 3000 का लेवल तो एक्सपेक्टेड नहीं है फिलहाल। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऊपर में आपको 3160 और नीचे में 3100 तक की रेंज जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल 3000 थोड़ा सा दूरी लगता है। अगर 3080 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वहां से फ्रेश बाइंग आएगी तो वापिस से खरीदारी की तरफ मार्केट जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए करेक्शन है, 3120 3080 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कम का फरवरी वादा देख रहे हैं 11600 पर ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड का फरवरी वादा देख रहे हैं 6246 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि फिर से वही एक रेंज देखने को मिली है ग्वार के अंदर, जो कभी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग बनने पे 11000 के लेवल्स पर आ जाती है, फिर अगर तेजी आती है तो 12000 तक जाती है। आपको क्या लग रहा है, ये ग्वार गम और ग्वार सीड में ये जो रेंज बाउंड वाला खेल है, ये कब तक और आगे चलेगा? देखिए, फिलहाल बाजार जो है सीमित दायरे में है और लगातार तेजी की तरफ है। अभी ये देखिए कि बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, 10000 से लेकर 12000 की रेंज में फिलहाल बाजार ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये रेंज बनी रह सकती है और अभी भी बाजार पॉजिटिव है। आज देखिए आप अच्छी खासी तेजी की तरफ है और मुझे लगता है कि 11600 का जो ये लेवल है आज इंट्राडे में 11800 से 12000 तक ऊपर जा सकते हैं। जी, जी बात करें अगर कैसे सीड की, तो देख रहे हैं कैसे सीड का फरवरी वायदा 6330 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी कैसे सीड में भी देख रहे हैं 6200 से 6300 की रेंज देखने को मिल रही है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं 6500-6600 वाली वो अभी कहीं ना कहीं दूर जाती हुई नजर आ रही है, एक रेंज देखने को मिल रही है कैसे के अभी अंदर। हालांकि 6000 के ऊपर सस्टेन है, पहले से अच्छे लेवल्स हैं। आपको क्या लग रहा है, 6500-6600 क्या कवर होने में अभी पूरा फरवरी लग सकता है? कैस्टर्न में अभी देखिए काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में फिलहाल फंस कर रह गया है और अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से तो हम देख रहे हैं कि 6300-6200 के बीच में ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और यही रेंज अभी फिलहाल मार्केट के अंदर बनी हुई है और ऊपर में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 6500 का स्तर दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 6500 का लेवल अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है और ये आता हुआ आगे अगले हफ्ते में मे बी हमें दिखाई दे। जी, ये सर जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में कल को हमने हल्दी में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग बनती देखी थी। कल के कारोबारी सत्र में हल्दी में लगभग 4.5% की गिरावट बनती नजर आई थी और देख रहे हैं कि वो हल्दी को अब 9700 के लेवल्स पर लेके जा चुके हैं। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में कल हमने शानदार बढ़त बनते देखी थी, 19025 का हाई लग चुका है जीरे में, लेकिन देख रहे हैं कि आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बनती नजर आ रही है इसके साथ साथ। और धनिया में की बात करी जाए, तो धनिया का अप्रैल वादा देख रहे हैं 10000 के लेवल्स पर आ चुका है, 1.25% की करेक्शन है। धनिया का बाजार भी अब कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में एक शानदार बढ़त के साथ अब यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर मसालों में अभी और गिरावट आएगी? देखिए, मसालों में प्रॉफिट बुकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन में बाजार तेजी में था, इसलिए ऊपरी स्तरों पर एक मुनाफा वसूली देखने को जरूर मिली है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अब जीरा देखिए, जीरे में भी तेजी है और एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन अगर आती भी है तो उसके बाद मार्केट में एक बार फिर से बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है और जीरे में 20000 का स्तर एक्सपेक्टेड है। और जहां तक धनिया की बात है, तो धनिया में भी उठा पटक जो है वो देखने को जरूर मिली है, लेकिन जो लेवल एक्सपेक्टेड है धनिया के अंदर भी 10000 के ऊपर अभी भी मार्केट बना हुआ है, तो आप यहाँ से मान के चलिए कि 11200 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि MCX कॉटन ने 37000 के लेवल्स दिखाने के बाद लगातार देख रहे हैं कि 36000-35000 ये लेवल्स सब बनते नजर आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या MCX कॉटन में अभी थोड़ी और करेक्शन आ सकती है? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि कॉटन में करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से करेक्शन आती हुई दिखाई दे रही है, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है और मुझे लगता है कि एक बार
हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फिलहाल अब तेजी में ना रहें क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर है, तो जिनके पास भी रखा है वो धीरे धीरे करके लिक्विडेट करें क्योंकि आगे चलकर आने वाले कुछ समय के बाद 10 से 15 दिनों के बाद करेक्शन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये सर रूपा जी, बात करें मक्के की, तो मक्के को लेकर हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं काफी सारे, जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं आगे मक्के के भाव कैसे रह सकते हैं। में भी फिलहाल बिल्कुल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, जिस तरीके से बाजारों में अभी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है, तो एक करेक्शन जो के बाद जो अभी खरीदारी है वो बनती हुई दिखाई दे रही है और छुटमुट तेजी बन सकती है, बहुत ज्यादा तेजी की फिलहाल उम्मीद नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं गिरधारी राम जी, जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं गेहूं का बाजार इस बार कैसा रह सकता है। हाँ देखिए, गेहूं में अखिलेश मैंने कल भी यही बताया था कि मुझे फिलहाल तेजी यहाँ से नहीं लगती है, गेहूं में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई नहीं दे। जी रूपा जी, श्याम सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे हैं लहसुन में आगे तेजी मंदी रहेगी क्या रहेगा, इस पर थोड़ी बताएं। देखिए लहसुन में अभी फिलहाल गिरावट का ही आसार है और मुझे लगता है कि अभी इसमें मंदी ही बनी रह सकती है, इसमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए जो सरसों के बारे में जानना चाह रहे हैं, सरसों के बारे में बताएं, सरसों का बाजार आगे कैसा रह सकता है। देखिए सरसों में भी अभी फिलहाल दबाव का ही रुझान है और प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है और आगे चलकर भी गिरावट बनती दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, इसे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन देख रहे हैं कि मंडियों में आवक तो है नहीं, सोयाबीन की अराइवल्स अभी जो आने थे वो आ चुके हैं, जिन किसानों को अपनी सोयाबीन बेचनी थी वो बेच चुके हैं, अब किसानों ने अपनी सोयाबीन को फिर से स्टॉक कर लिया है, होल्ड कर लिया है। यूएस सोयाबीन में भी देख रहे हैं $1400 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है आज भी, और अमेरिका साउथ अमेरिका में देख रहे हैं कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में अभी तक जो अनुमान जताया जा रहा है सोयाबीन में, वो उत्पादन में गिरावट का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो वैश्विक सोयाबीन का उत्पादन है उसमें कमी रह सकती है। चाइना ने भी अपना निर्यात घटाया है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में यहाँ से जो ये जो सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, क्या आगे जाके उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्या सोयाबीन में की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल्स तो मजबूत ही नजर आ रहे हैं। देखिए फंडामेंटल मजबूत है लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में बाजार जो है वो रुका हुआ है और एक सीमित दायरे में है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर तेजी बनी भी तो 6500 तक ऊपर देखने को मिल सकता है, यानी कि करंट लेवल से 200 पॉइंट की एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, 100 से 200 पॉइंट की तेजी हो सकता है कि आपको देखने को मिले, नो डाउट फंडामेंटल इसका सपोर्टिव है। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें तो देखा जाए तो प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है और क्रॉप भी डैमेज है, तो इस वजह से कीमतों में आगे चलकर सपोर्ट हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज में है और ये रेंज अभी एक्सपेक्टेड है कि बनी रह सकती है और बहुत ज्यादा अभी उठा पटक नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं हैं। 6500 ऊपर में है तो नीचे में 6100-6000 मैक्सिमम डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। जी ये सर रूपा जी, बात करें अगर दालों के बाजार की, तो दालों में देख रहे हैं कि लगातार जो रिटेल प्राइसेस है उनमें तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो आयात करके माल मंगाया जा रहा है उससे किसानों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है आगे दालों का बाजार क्या ऐसी सुस्ती भरा रहने वाला है। देखिए बिल्कुल दालों में भी सुस्ती है और आगे भी सुस्ती ही देखने को मिलेगी, तेजी फिलहाल नहीं है मार्केट के अंदर, और दूसरा देखिए खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं अभी वो कंट्रोल में आती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो एडिबल ऑयल हो या फिर पल्सेस हो, वीट हो, सब में अभी फिलहाल जो है बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे, ना तो बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन है और ना ही बहुत ज्यादा तेजी की एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर अभी जैसे अगर थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है तो आगे चलकर अरहर और उड़द की आवकें भी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, चने की भी आवकें बढ़ेंगी, तो आगे चलकर प्रेशर जो है दालों के ऊपर फिलहाल बना रह सकता है। जी रूपा जी, आज के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी जिसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। टॉपिक की बात करें तो अखिलेश अभी मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर ही बाइंग में रहना चाहिए, ग्वार एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ग्वार के बाद बिनोला खल मुझे लगता है कि इसमें भी 3080 का स्टॉप लॉस लेकर बाइंग जो है वो बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें क्योंकि करेक्शन काफी आ चुका है, तो यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, उसके चलते 3080 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी बाय किया जा सकता है और ग्वार के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।